यही मौका है प्रभा, मार दे चौका। जय माता दी। भगवान जी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ना 10 रुपए नहीं, पूरे 1 रुपए डाले हैं। अभी ना आप 1 रुपए से काम चला लीजिए। और मुझे पता है, मेरे भगवान जी को पैसों की नहीं, सिर्फ श्रद्धा चाहिए, है ना? और आपको पता है, इस भक्तियानी में तो आपके लिए श्रद्धा कूट कूट के भरी है। पर भगवान जी, इस वक्त ना मेरा श्रद्धा के साथ काम नहीं चलेगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आई एम वेरी सॉरी है भगवान जी, मैं आपके पेटी से थोड़े से पैसे लेके जा रही हूँ। क्या कर रही हो बेटी? वो मैं ये पैसे वापस डाल रही थी। मैं माता रानी की सच्ची भक्त हूँ ना, इसलिए ज्यादा दान कर रही हूँ। जय माता दी। भगवान करे तेरी तिजोरी हमेशा भरी रहे। मेरा भगवान जानता है कि मेरे और मेरे पोते के बीच मेरे पैसा कभी नहीं आने दिया है। पैसा चाहिए ना तुझे? ये 500 रुपए रख। 500 रुपए दादी? अरे अम्मा जी, 500 रुपए, इतने पैसे को क्या करेगा? बच्चा है, बिगड़ जाएगा। बिगड़ने दे, पोता मेरा है, तुझे क्या? और सुन, ये अपना सुर जरा नीचे रख। सासू तेरी, कोई दोस्त नहीं हूँ कि सलाह मशवरा दे तू मुझे। अरे वाह थैंकू कान्हा जी, जो आपने हमने सुन ली और हमें जलेबी प्रसाद के इलाज के लिए पैसे दिलवा दिए। मम्मी, मैं और गंगा बाहर खेलने जाए? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। थैंक यू। चल गंगा। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? उस गंगा को क्यों तूने जाने दिया? क्या मैं बैठी हूँ ना, पूछ सकती थी ना अम्मा जी कि मैं गंगा को भेजू और न भेजू? हाँ, मनमानी। आश्रम से लोग आने वाले, 100 काम पड़े और तूने उस लड़की को भेज दिया। क्या जरूरत है उस लड़की को पीछे पीछे जाने की? अम्मा जी, बच्ची है। ठीक है, अगर मेरा कहना ना कहना एक ही बराबर है तो जो मर्जी आए करो, मैं क्यों अपना सर खपाऊं? सागर, मेरा जलेबी प्रसाद ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता मत कर तू गंगा, डॉक्टर अंकल इसे ठीक कर देंगे। चेक करना डॉक्टर जी, कुछ भी करके इसे जल्दी से ठीक कर दो। वैसे हुआ क्या इसे? कैसे जाते रे सागर, ये तो हमसे पूछ रहे कि इसे क्या हुआ। अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब ये था कि इसने खाया क्या था, इसकी हालत कैसी थी? हालत तो ठीक थी इसकी डॉक्टर साहब, बहुत खुश भी था, ये हमारे साथ खेल भी रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसे। कैसे नहीं होगा बहू, कैसे? अगर ऐसे ही होता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं। तेरी बात तो कोई मानेगा ही नहीं। और पता है? ये सब तेरी सास कांता की वजह से होगा। हाँ, अरे उसने तुझे ममता के अधिकार से दूर रखा है। अरे ममता के अधिकार से ही क्यों, सारे अधिकार छीन रखे हैं उसने। हाँ, झूठ बोलकर दिल को तसल्ली देना तो कोई तुझसे ही सीखे है कांता। ऐसी बात नहीं है जीजी, हर किसी को हक है ना बोलने का। अब वो मेरी बहू है, गुलाम तो नहीं कि मुंडी नीचे रख के काम करती रहे। हाँ, अगर तुझे अपनी बहू का जुबान लड़ाना अच्छा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए कह दिया। पर मेरी एक बात तू गांठ बांध ले। हाँ कांता, आज एक शब्द बोला है, कल उठ के चार शब्द बोलेगी, और वो भी चार लोगों के बीच में।